दिवाली वाला ब्लॉग था, तो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। ब्रेकफास्ट में आज था बेंगुली स्टाइल का डोसा, यानी कि जिसे छोटू कहता है जौल रोटी, तो वही बनाई थी। तो छोटू ने लिया था वो सॉस के साथ, और मैंने, मेरे लिए क्या है, मेरा तो एवरीडे जिंदाबाद है, तो मैंने एवरीडे के साथ लिया है। और हाँ, दिवाली में जो भी लाइट्स या डेकोरेशन जो भी किया था वो काफ़ी सारा मैंने निकाल लिया है, निकाल के रख दिया है, लेकिन पूरा मैंने निकाला नहीं है। लाइट्स वगैरह कुछ रखा भी है, क्योंकि सामने अभी क्रिसमस भी आ रहा है, तो इसलिए कुछ रख दिया है। और फूलों का जो मेरीगोल्ड फ्लावर से जो सजाया था वो सारा निकाल लिया है, बस जो मेन डोर पे जो मैंने लगाई थी वो अभी तक है। वो मैं कुछ दिन और रख दूंगी। और यहाँ पे है ये सोनू छोटू के रूम का हाल, तो अभी मुझे इस रूम को भी ठीक करना है, मेरे रूम का बेड का भी मुझे ठीक करना है, अभी ये सब काम बाकी है। दिन मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी घड़ी को लगाया था, उसका क्या हाल है मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये है घड़ी का हालत, ये इधर से गायब हो गया है, और यहाँ भी ऊपर में इस टाइप का था, ये यहाँ से टूट गया है पूरा। मैं तो लगा कर चली गई, फिर अपना काम करने लगी, दिवाली के लिए डेकोरेशन कर रही थी, और बाद में फिर मैंने अचानक से धड़ाम से एक साउंड आया मुझे, मतलब मैं सोच रही हूँ अरे क्या, किसका साउंड है आकर। मैंने सोचा था कि ये गिर गया होगा, फिर आकर देखती हूँ कि घड़ी नीचे गिर के पूरा खराब हो गया। लेकिन उस वीडियो में मैंने बाद में नहीं दिखाया, क्योंकि दिवाली वाला वीडियो था, मुझे ठीक नहीं लग रहा था ये दिखाना, उसी दिन ये गिर गया था। और इस वजह से मैंने जो लास्ट में उस वीडियो में होम टूर दे रही थी यहाँ का, मतलब डाइनिंग एरिया का, मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि घड़ी जो मैंने लगाई थी वो टूट गया था, तो ये नहीं दिखाया। और फिर यही हाल है अभी मुझे। और हाँ, जो भी मैंने पूजा का सामान जो कुछ भी था यहाँ पे रखा है, लेकिन अभी ये सारा मैं टच नहीं कर पाऊँगी, ये सारा टच नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारे खानदान में फिर से कोई गुजर गया है, तो इसलिए अब 13 दिन तक पूजा के सामान मैं टच नहीं कर पाऊंगी। ये भी 13 दिन तक सोता रहेगा ऐसे ही हमारे घर में, क्योंकि पूजा घर को भी टच नहीं कर पाएंगे हम लोग अभी। तो बस
अभी तक का इतना ही अपडेट है और आगे देखती हूँ क्या होता है, पूरा दिन क्या होता है। अभी सारे काम खत्म हो चुका है, लंच भी तैयार है और छोटू ने लंच भी कर लिया है। बस मैं करने ही वाली थी लंच, तो उस टाइम पे एक फ़ोन कॉल आ गया था, इस वजह से मेरा तो नहीं हुआ। छोटू ने कर लिया है लंच और अब मैं लंच करने वाली हूँ। और आज मैंने लंच में बनाई है ये पनीर की सब्जी और दाल। मैंने ये है पनीर की सब्जी और साथ में दाल। तो पनीर की सब्जी में एक गड़बड़ी हो गई है, मुझे कलर देखने के बाद याद आया कि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च नहीं दिया है, तो इस वजह से इसका जो कलर है येलोइश टाइप का बन गया है। और फिर कभी कभी टमाटर भी नहीं था घर पे, तो टमाटर देने से थोड़ा बहुत कलर भी आ जाता है, तो आज टमाटर भी नहीं था इसलिए ज़्यादा ही येलोइश टाइप का बन गया है पनीर की सब्जी। और अभी मैं लंच करूँगी, तो फटाफट से लंच कर लेती हूँ। और आज मैंने ध्यान दिया कि मेरे बाल जो है कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया था, वो भी अभी अभी जो साइज़ है वो ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक लंबा भी हो गया है ना, अभी ये ठीक है ये साइज़। ये रहा मेरा राइस, इसके साथ मैं आज दाल नहीं खाने वाली हूँ, अभी रात को देखेंगे, अभी मुझे दाल खाने का मन नहीं है, बस पनीर के साथ ही खाने वाली हूँ। एक टमाटर भी पेस्ट करके दे देती तो इसमें अच्छा कलर आ जाता, लेकिन चलो क्या करें, पनीर सही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शोमास लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स। और आज है नेक्स्ट डे, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, डस्टिंग वगैरह भी हो गया है और अभी मैं जाने वाली हूँ बाहर सब्जी लाने के लिए। घर पे कुछ भी सब्जी नहीं है और ना ही बिस्किट कुछ है, तो बिस्किट सब्जी ये सब कुछ सामान लाना पड़ेगा, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। तो अभी मैं जाने वाली हूँ सब्जी बाजार और उसके बाद आने के बाद मैं शावर लूँगी और
चारों तरफ इसका क्या निकल रहा है? मैं शावर लेके आ गई हूँ और अभी मुझे जल्दी से खाना बनाना है। देर बच चुका है, जल्दी जल्दी में मैं अभी बनाऊंगी ब्रिंजल फ्राई। और दाल मैं ऑलरेडी बना कर गई थी और अभी ब्रिंजल फ्राई करूंगी। और राइस भी बन चुका है के साथ, तो बटर के साथ ब्रिंजल फ्राई और अचार भी है, तो इसी से चला लूंगी अभी, क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी है मुझे। छोटू को लगा है? भूख लगा है क्या? नहीं, नहीं लगा है? अभी नहीं मैं लगेगा, खेलने का खाया टाइम, हूँ, खेलने का टाइम मेरे को। बॉर्नविटा खाया अच्छा, हूँ। बॉर्नविटा चुरा कर खाया है और केला भी खाया है। मैं जो केला लाई थी ना छोटू ने, वो खाया है। सामान थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे, कुछ सामान मैंने ठीक से रखा है, कुछ अभी ये सारे देर हो जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी से ये बाद में ठीक करूँगी। तो ये है आज का लंच मेन्यू। बटर खत्म हो चुका है, ये खाली डब्बा थोड़ा सा था, मैंने यहाँ पे छोटू को दे दिया है। वैसे मैं लेकर आई हूँ आज, मुझे पता था खत्म हो रहा होने वाला है। और ये है दाल। तो अभी शाम का वक्त है और ये ग्लास का ओवली जो मैंने यूज़ किया था दिवाली में, और ये सारे टेबल्स ये भी यूज़ किया था, ये सारे मैंने पानी निकाल के फिर वॉश करके रख दिया है। और अभी इसे एक बॉक्स में रख दूँगी, नेक्स्ट किसी फेस्टिवल में ही यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो फ्रूट्स मैं लाई थी वो सारे रख रही हूँ, कुछ केले तो छोटू ने खा ही लिया है। तो बस यही था आज का वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को चाय के साथ, शाम के चाय के साथ एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।